फैमिली वाले आ चुके हैं, अब इनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। उधर उस साइड से आ रहे हैं वो लोग ना, मैं छुप जाता हूँ थोड़ा सा। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग गाइज। तो आज का कुछ दिन ऐसा है कि आज एक सरप्राइज़ डे है तो मेरी फैमिली के लिए, और आज मैं जा रहा हूँ एक अपने लिए भी एक गाड़ी परचेज़ करने, जिसमें मैं आगे जाके आपको डिटेल बताता हूँ कौन सी हम गाड़ी ले रहे हैं, कौन सा मैं अनवील करता हूँ, कौन सी गाड़ी हमारी आने वाली है। तो मेरी फैमिली के लिए सरप्राइज़ है एक, और बाकी ये भी मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ से जाना है रिठाला, तो शाहदरा से स्टेट मतलब कि सीधा मेट्रो स्टेशन रिठाला बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, अदरवाइज़ आप मेट्रो से जाते हो तो आगे चलते हैं, आज की जर्नी कंटिन्यू करते हैं मेट्रो के द्वारा। आज मोटो व्लॉग में नहीं मिलेंगे हम, मेट्रो में आज अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, आगे इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं कौन सी गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ। तो आगे शोरूम में चलते हैं, फिर गर्मी ज़्यादा हो रही है, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट आज का रहने वाला है। Into my head, am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm sorry. यार अपन तो पहुंच गए हैं रिठाला, और सामने ही हमारे यहाँ पे शोरूम पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, थोड़ा छाँव हो गया, घटा छा गया इस वजह से थोड़ा सा। देखते हैं आगे क्या कहानी होती है आज, अभी तो फिलहाल। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अभी इसी वीडियो में आपको ये क्लिप और जोड़ देता हूँ, कल हम PDI के लिए आए थे कार का इंस्पेक्शन के लिए, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए PDI के लिए, तो वो वाला वीडियो भी आप इसमें देख सकते हो। अभी जस्ट इसी के बाद मैं ये वाला वीडियो प्ले कर दूँगा इसमें। तो कल पूरी गाड़ी हमने PDI कर ली थी, और आज हमारी डिलीवरी है, तो आज डिलीवरी लेते हैं। मैं अभी फ़िलहाल अकेला पहुँचा हूँ, घर वाले आ जाएंगे कैब से, घर वाले अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैं फ़ोन करके बुला लूँगा उनको, जब तक यहाँ पे मेरा पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे की डिलीवरी लेंगे, फिर मज़ा आएगा। और मेरे घर वालों को भी पता नहीं है कि हम गाड़ी न्यू ले रहे हैं, मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी की परचेज़ की उन्होंने बताया था, तो अब देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाला उनको, थोड़ी सी डांट तो पड़ेगी। ये पहुंच गए हम टाटा मोटर्स, वही एंट्री लेते हैं टाटा, मतलब टाटा के शोरूम में आ चुका हूं, जो कि पड़ता है रिठाला सेक्टर 10 के पास, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास। तो लगभग कुछ इस टाइप का यहां पे माहौल है सारा, और अपनी गाड़ी अभी रेडी होने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो EV में भी मेंशन है प्रॉपर। इसके बाद हमारा टाटा पंच, ये तो टॉप मॉडल है, लगभग कुछ अच्छी सी लुक आती है इसकी ना, देख सकते हो लगभग ओवरऑल इसका जो ये वाला सिस्टम है ना। तो बेसिकली यार शोरूम में बैठे हुए अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने का टाइम है, कुछ पेपर वर्क चल रहा है, उसके बाद अपनी गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी। और जो यहाँ पे रविंदर सर हैं, पूजा मैम हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी, मतलब कि जल्दी जल्दी प्रोसेस करा दिया। इस गाड़ी की कम से कम 1.5 महीने की बुकिंग थी, बट इन्होंने क्या है कि मैक्सिमम 2 या 3 डेज़ में डिलीवरी दिलवा दी। सारा काम इतना वर्क प्रोसेस काफ़ी अच्छा है यहाँ का, रिठाला मेट्रो स्टेशन के जस्ट यहाँ पे ही क्राउन प्लाजा होटल है ऊपर की साइड में, उसके ही नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर टाटा शोरूम बना हुआ है। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर सफारी खड़ी हुई है, हैरियर खड़ी हुई है, और टाइगर खड़ी है, अल्टोस, नेक्सोन, पंच, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और काफ़ी मतलब कि यहाँ का सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, और किसी भाई को अगर यहाँ से परचेज़ करनी हो गाड़ी तो ज़रूर आओ भाई, मैं तो रेकमेंडेशन देता हूँ यहाँ का, कि जल्दी से डिलीवरी मिल जाती है, लगभग मैक्सिमम 2 दिन में डिलीवरी मिल गई, और मज़ा आ गया। एक नई गाड़ी की खुशी सबको होती है, वो भी हमें है। और जैसे फैमिली आएगी, फैमिली को पता नहीं है, मैं एक बार ये बता रहा हूँ, फैमिली को पता नहीं है कि हम नई गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, फैमिली वालों को ये पता है कि हम सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, बट क्या है कि हमारा जब वो आएंगे उनको पता लगेगा नई गाड़ी ले रहे हैं, तो उन एक्सप्रेशन थोड़ा सा कैप्चर करेंगे इस वीडियो में कि उनका एक्सप्रेशन कैसा होने वाला है। खुशी में काफ़ी मज़ा आ रहा है, देखते हैं कब तक आते हैं।
यार ये अपनी बुक आ गई है, बुकलेट गाड़ी की प्रॉपर। अभी इसमें स्पेसिफिकेशन हम पढ़ सकते हैं, 24/7 ऑन रोड सर्विस मिल जाती है इसमें, डोर स्टेप सर्विस मिल जाती है, और मतलब काफ़ी सारे इसमें फीचर लिखे हैं। बेसिकली पूरी बुक है, आराम से पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, सारे फीचर इसमें लिखे हैं। बाकी स्टीयरिंग कंट्रोल का इसमें फंक्शन अभी है नहीं, हम स्टीयरिंग कंट्रोल का अलग से लगवाएंगे। बाकी वाइपर वगैरह का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए इसके लिए, तो यार काफ़ी स्पेसिफिकेशन इसमें वीडियो बनानी पड़ेगी इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में। लगभग अपना काम तो ऑलमोस्ट सारा हो चुका है और बस डिलीवरी लेने रह गई है, फैमिली वाले भी आने बाकी है। बाकी देखते हैं नंबर प्लेट कितनी देर तक आ जाती है, नंबर प्लेट मिलेगी जब भी हमें डिलीवरी मिलेगी। पहले होता था कि नंबर प्लेट बाद में हम अप्लाई कर सकते थे, अप्लाई पहले कर सकते थे बट मिलती हमें बाद में थी, एक डेढ़ हफ्ते में नंबर प्लेट आ जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, आप जब तक आपको नंबर प्लेट नहीं आएगी जब तक डिलीवरी भी नहीं मिल पाएगी। अब देखते हैं कितनी देर तक आती है, फिर उसका वेट करते हैं। भाई यहाँ पे अगर आ रहे हो शोरूम में तो भाई पेशेंस लेके जरूर आना, पेशेंस के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, लगभग मेरे को हो गए 2 घंटे के आसपास हो गए आए हुए, बट देखते हैं कितना और टाइम लगेगा अभी नंबर प्लेट आने में। जैसे नंबर प्लेट आ जाएगी फिर फैमिली को कॉल करना, फिर वो भी फैमिली वाले भी आ जाएंगे, फिर हम डिलीवरी लेंगे, फिर आगे मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजा कराएंगे। आगे का ब्लॉग में आपको इसी में देखने को मिलेगा सारा वीडियो। लगभग यार ये चीज़ अच्छी हो गई है, फास्टैग भी हमें अब शोरूम से मिल जाता है। HDFC की तरफ से, कौन सी बैंक है ये, IDBI बैंक की तरफ से हमें फास्टैग यहीं से लग के मिल जाएगा, जिसमें हमें बस टॉप अप करना पड़ेगा बैलेंस का, है ना मैम? यहाँ बैलेंस मिलता है इसमें कुछ, तो 100 रुपीज़ इसमें मिल जाता है। तो अपना बाकी जब भी जाते हैं तो टॉप अप हम फ़ोनपे पेटीएम वगैरह थर्ड पार्टी ऐप से इसमें टॉप अप कर सकते हैं। तो यार भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी, मैं बाहर कुछ खाने के लिए आ गया हूँ, आगे ही यूनिटी मॉल बता रहे हैं कुछ, वहाँ पे देखते हैं कुछ, चलते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़।
खाते हैं। बाकी फैमिली वालों को भी अभी नहीं बुलाया, जब तक नंबर प्लेट नहीं आ जाती ना, जब तक हम उनको नहीं बुलाते, बट जैसी नंबर प्लेट आ जाएगी ना उसी टाइम हम उनको बुला लेंगे, तो नंबर प्लेट लगवा के फिर डिलीवरी लेने में मज़ा आएगा। पहले होता था कि नंबर प्लेट एक दो हफ्ते बाद लग जाती थी, टेम्परेली नंबर पर गाड़ी मिल जाती थी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बिना नंबर प्लेट के कम से कम 5,000 रुपये चलाना है, और पेनल्टी जो लगती है शोरूम वालों पे वो अलग। तो इसी वजह से जो हमें नंबर प्लेट का वेट करना पड़ा, बस वही लग रहा है। भाभी बस सारे मिल गए हैं मेरे को, और भाई ये है रोहिणी, इधर रोहिणी पड़ जाता है, आगे रिठाला, ये क्राउन प्लाजा होटल है। तो भाई पैदल चलते चलते जा रहे हैं, सांस फूल रही है थोड़ी सी, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। जब तक नंबर भी आ जाएगा, नंबर बेसिकली आ रहा है, RDO से आता है डायरेक्ट, कल रजिस्टर्ड हो गई थी गाड़ी। तो भाई गाड़ी की इतनी एक्साइटमेंट है ना, लगभग मानोगे नहीं, क्योंकि फैमिली की हमारी फ़र्स्ट न्यू कार है। बेसिकली हमने सेकेंड हैंड गाड़ी है, तो हमने बहुत परचेज़ की है और सेल भी करी है, बेकी भी है। और अब जो नई गाड़ी हम ले रहे हैं ना, वो हमारी फैमिली की फ़र्स्ट कार है। बाकी देखते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेंगे। बाकी फैमिली कार है पंच कार, जो है पंच प्योर के नाम से, बेसिक मॉडल हमने लिया है, जो फेस टू वर्जन है इसका, वो हमने परचेस किया है। लगभग 1200 सीसी का इंजन है, और फ्यूल टैंक इसका लगभग 35 लीटर के आसपास का है। बाकी आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो इसको देखने को मिलेगी इसी चैनल पे आपको। तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। तो भाई अपना मिल गया मैकडी, अंकल जी बैठे हैं बाहर हमारा वेलकम करने के लिए, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है, फिर आगे वापस जाएंगे। तो यार कुछ कॉफ़ी वगैरह पीनी हो तो यहाँ पी सकते हो, बट ऑर्डर दे दिया है, अब टेबल है नहीं यहाँ पे, कहाँ पे बैठ के खाऊँगा, भूख बहुत तेज़ लग रही है। अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ से अपना काम होता है, काफ़ी की तरह से निकलते हैं, पेपर लेके आ गया, मील आ गया, खाते हैं और जल्दी से चलते हैं, बहुत ही भूख लग रही थी यार, अब रुका नहीं जा रहा। बाकी उन्होंने इतना टाइम लगा दिया वहाँ पे टाटा मोटर्स वालों ने, तो क्या कह सकते हैं, नंबर प्लेट आएगी जब भी हमारी डिलीवरी मिलेगी, उसके बाद का प्रोसेस जो होगा वो आगे इसी ब्लॉग में देखने को। बाकी चिकन बर्गर खाते हैं। तो आज ही भाई पेट पूजा कर लिए, अब काम करते हैं दूजा, चल रहे हैं शोरूम की तरफ। अरे वाह, यहाँ पे ये चार्जिंग का पोर्ट बना रखा है, सही है यार। अब क्या है कि बेसिकली ऑलमोस्ट सारी जगह पे ना, जैसे कि पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग एरिया में ना चार्जिंग पॉइंट ज़रूर मिल रहा है, एक ग्रीन सिटी और से इलेक्ट्रिसिटी का मेन कॉन्सेप्ट सारी जगह पे लगाया जा रहा है। तो यार ये बहुत चीज़ बहुत अच्छा हो गया, मतलब कि हर पेट्रोल पम्प पे और पार्किंग एरिया जो बेसिकली पार्किंग है उनमें ये रूल लगाया जा रहा है, जिससे कि बंदा कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसको प्रॉब्लम ना हो, उसका अगर बैटरी वीक होता है तो पार्किंग में से भी इजीली वो कर सकता है चार्ज पे लगा सकता है। जो भी अमाउंट होगा इसका एक वीडियो बनाएंगे कि क्या अमाउंट आता है, कितनी देर चार्ज पे लगाना पड़ता है, देखते हैं। मगर पहले तो अपना काम करें, खुद को तो हम चार्ज कर आए खा पी के। फैमिली वाले आ चुके हैं, अब इनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। उधर उस साइड से आ रहे हैं वो लोग ना, मैं छुप जाता हूँ थोड़ा सा, ये आ गए यहाँ से आ गए। हमारे पापा और काविंश आ रहे, ये जा रहे, और भाभी भी ये नहीं, भैया भी ये थे, यहाँ से आ रहे हैं, आइसक्रीम खाते आ रहे हैं, पार्टी करते हैं, अभी इनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं, देखते हैं। मैंने तुमको पता नहीं, अब नई गाड़ी ले रहे तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इनका। कैसे भाभी कैसे हो, सब आ गए, ऐसे हो ऐसे हो, क्या कर रहा है, बहुत लेट आया तू तो यार, दादू आइए दादू के पास, टाइम लगेगा ना वहाँ से, वहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, वो गाड़ी तैयार कर रहे हैं ना। भाभी का रिएक्शन
तो भाई फैमिली वाले आ चुके हैं, इनको ज़रा भी भनक नहीं थी। यार फैमिली वाले आ चुके हैं, भाभी भी आ गई, भैया भी आ गए, पापा भी आ गए। अब इनको अभी तक नहीं पता कि कौन सी गाड़ी है, ये पुरानी गाड़ी सोच के आए हैं यहाँ पे, और देखते हैं कैसा इनका रिएक्शन रहता है गाड़ी देख के। और ये देखो, ये तो बलून से खेलने लग गया। और ये रहे भैया, कौन सी लड़की देखने आए हो? चलो भाई अब देखते हैं, मैम बताते हैं कौन सी गाड़ी है, अब अनवील करेंगे। अभी केक कटिंग सेरेमनी होगी, फिर उसके बाद अनवील करेंगे गाड़ी कौन सी ले रहे हैं। अभी तक तो रिएक्शन सही है। अच्छी तो पापा, आपको कौन सी गाड़ी बढ़िया लगी? सफारी। सफारी बढ़िया लगी। और कम बजट में कौन सी? पंच। अच्छा, पापा को भी पंच पसंद आई, तो देखते हैं गाड़ी लेंगे, तो पुरानी गाड़ी से काम चलाएंगे, पुरानी गाड़ी। भाभी सही है गाड़ी? वो वाली ज़्यादा बड़ी। अब उसके आगे ये तो फीकी लगेगी लगेगी। तो भाभी को ये भी गाड़ी पसंद आ रही है। केक आ गया है, केक सेरेमनी हो रहा है, तो बच्चे काटेंगे। मजा आया? कैसा था केक? टेस्टी है? टकला टकलिया होता है वो, टकलिया केक हो गया भाई। यह जो केक खा रहा है, तो भाई केक सेरेमनी हो गई है और गाड़ी हमारी बाहर रेडी है। अभी तक घर वालों को पता नहीं कि नई गाड़ी ले रहे हैं पुरानी, ठीक है? तो पुरानी गाड़ी का पता है, तो बाहर जाके देखेंगे, अनवील करेंगे, तो नई गाड़ी को देखने कार बैठ के जाएगा, कार में हा? कार में बैठ के जाएगा, कैसे मजे करेगा? अच्छा, तो भाई गाड़ी की डिलीवरी ले जाने, गाड़ी की डिलीवरी ले से। हाँ पापा कहाँ गए? तो गाड़ी अपनी ले चुके हम, ये खड़ी है यहाँ पे। कुछ कपड़े मैंने ऐसे डाल दिया, मगर गाड़ी दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। ये कुछ लोग उदम काटते हैं, ये सब लेट यू गो, यू गॉट इनटू माय हेड, एम आई अबाउट टू लूज मायसेल्फ, व्हेन विल ऑल ऑफ दिस फेड अवे, cuz आई सी कलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आई स्टार्टिंग टू रियलाइज नथिंग्स एवर ब्लैक एंड व्हाइट, एंड आई एम कॉट अप इन द फर्स्ट नाइट, नाउ इट डजंट फील राइट, have to say goodbye one last time, I know that it's hopeless but it won't be fine, cause nothing's ever black and white. Gaadi le liye humne delivery, to bhai condition ye wala jene ek bada maza aa gaya, baba kaise lagta hai? ये इनको कुछ भी करो, ये इनको बढ़िया ही लगती है सब कुछ। गाड़ी शीशा बंद कर लो, ये प्योर बेसिक हमारा वर्जन है। बाकी अभी फ्यूल का 2 लीटर का कुछ कूपन मिला है, वो डलवा दे, 2 लीटर इसमें होता है। और बाकी हम एक बार फुल टंकी कराते हैं, फिर देखते हैं एवरेज क्या देती है।
तो गाड़ी हाँ यहाँ पे 2 लीटर का कूपन मिला था, 2 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद अपनी गाड़ी लगवा दी है फुल टैंकी पे। फुल टैंकी का एवरेज पता चल जाएगा कितना आ रहा है। फुल टैंक होता है यहाँ से 40 लीटर की टंकी नहीं, 36 लीटर की टंकी है इसकी। मेरे को भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरे लिए भी न्यू है गाड़ी, तो बाद में पता चलेगा कितने लीटर की टंकी है। मैनुअल पड़ेंगे इसमें फिर पता लगेगा। और कुछ आज का सरप्राइज ये था हमारे लिए, खुद के लिए भी और घर वालों के लिए भी। आगे थोड़ी बहुत फ्राइडे जैसे भी होगी, अभी मोटिवेशन का एक्सरसाइज का और भी वीडियो इस मॉडल का देखने को। अब यहाँ पे हम लक्ष्मी नारायण मंदिर आ चुके हैं जो मंदिर मार्ग पे पड़ता है सीपी के अपोजिट, और पीछे मेरे लक्ष्मी नारायण मंदिर है। मंदिर हम दर्शन कर आए अंदर, अब हमारा कार का पूजा कराने का टाइम है। पंडित जी अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, बस फिर गाड़ी की पूजा कराते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा रहा टाटा मोटर्स के साथ। लगती है ना भाई छोटी हैरियर, मतलब हैरियर का मुकाबला करती है, छोटी हैरियर लगती है पूरी ये गाड़ी। और नंबर भी अपना हैंड टू हैंड उन्होंने दे दिया। तो भाई ये चीज़ अच्छी करी है बेस मॉडल में भी, एक तरह से इंडिकेटर वाले मिरर और भी हम दे दिए गए हैं। पूजा कौन करेगा, यही करवाएंगे। चलो हाथ जोड़ो फूल लेकर, उनको दे दो, पकड़ा दो, हाथ जोड़ो, खड़े हो जाओ। ओम लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओम मुरुवासो गणेश निकालभ्याम नमः ध्याय ध्यानम कृतभ्याम अंदर आओ गर्गस गोत्रोत्पन्नोहम नामोहम अपना नाम ले लो, कुणाल ठाकुर नामोहम चाहे सब अपना अपना नाम ले करके भगवान से प्रार्थना करो। बोलो ममात्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति। घुटने वाले बैठ जा जोर से मार ऊपर से। अभी मिलेगा मिलेगा। क्या मिलेगा खाने को? तो गाइज अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लगभग बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूँ टाटा पंच का कितना अच्छा मिल जाता है। थोड़ी सी गंदी हो गई है और कल हमने परचेज की थी और आज आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है। आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला बेसिकली इसका, थोड़ा सा डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए चेक करने के लिए।
ये अच्छी बात है, अगर डिक्की खोलो ना तो हॉर्न बजता है इसका। बाकी इतना इसमें बूट स्पेस है, ये जो कंपनी से आते छोटे वाले व्हील कवर, इसमें बड़े वाले ये व्हील कवर लगवा लिए थे। तो लगभग ओवरऑल एक्सपीरियंस सही रहा यहाँ का ना टाटा मोटर्स का। तो लगभग इतना स्पेस इसका आ जाता है बूट स्पेस खोलने के बाद। और अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है ना, यहाँ से लगभग पूरा अंदर गंदा हो गया। कल रात को हम लेट हो गए थे पूजा कराके आने में मंदिर से, तो इसी वजह से आज मैं इसका डिटेल वीडियो थोड़ा बहुत बना रहा हूँ। मतलब आज इस वीडियो को क्लोज करूँगा मैं यहाँ पे यार। तो इसके नीचे कुछ देख लेते क्या क्या मिलता है। एक ये बैग है और एक ये रेंच वगैरह औजार का है, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो लगभग यार इसमें एक ये बैग मिलता है, इस बैग के अंदर ये पूरा इसमें जैक है कार को उठाने के लिए, और ये कुछ इसके टायर वगैरह खोलने के लिए प्लग पाने मिल जाते हैं, और ये कुछ रिफ्लेक्टिंग अगर आपका गाड़ी कुछ डैमेज होता है तो आप रोड पे इसको लगा सकते हो। और एक मैं चीज़ और दिखाऊंगा, एक हमें देखने को मिल जाता है इसमें, एक हमें ये पंचर किट देखने को मिल जाता है, ये मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसमें एक आपका इन्फ्लेटर मिल जाता है, टायर इन्फ्लेटर, जो कि टाटा पंच वाले मतलब टाटा मोटर्स इसको हर गाड़ी के साथ अपना अब सेल कर रही है, तो इसलिए इससे हम कार में हवा भर सकते हैं टायरों में। और ये एक लिक्विड है, टाटा मोटर्स का कहना है कि अगर हम इसमें लगा के इसको भरेंगे तो हल्का फुल्का जो पंचर होगा ना वो भी हमारा ईजिली रिमूव हो जाएगा, मतलब ईजिली भर जाएगा जो इस लिक्विड के द्वारा, अगर छोटा मोटा अगर पंचर होगा तो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है टाटा मोटर्स की तरफ से ना, एक इन्फ्लेटर भी साथ में मिल रहा है प्रोडक्ट, वरना आज की डेट में कार वाले सिर्फ प्लग पाने दे दें वही बहुत है। तो आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, कुछ ऐसी जर्नी थी हमारी डिलीवरी की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर अपना सजेशन शेयर करना कि गाड़ी का रिव्यू कैसा है, कैसा आपको पसंद आई। तो लगभग यार ये कुछ इस टाइप का स्टीयरिंग है, और इसमें एकदम डिजिटल बीच में डिस्प्ले दे रखी है, इसमें सारा एवरेज वगैरह सब कुछ दिखाएगा। और आरपीएम साइड में दे रखा है, ये इस आरपीएम इसमें आपका साइड में दे रखा है, और ये आपका स्पीड का अलग से ऑप्शन दे रखा है। कंसोल इसका जो डिजिटल स्क्रीन वाला है बहुत अच्छा है। और अभी फ़िलहाल इसमें एसेसरीज़ में मैं इसमें लगवाने वाला हूँ स्टीयरिंग कंट्रोल, और इसमें सिस्टम लगेगा, और इसमें अभी सिस्टम नहीं है, अभी पूरी बेसिक गाड़ी है। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरे घर के लिए एक सरप्राइज़ था, मेरे घर के मेंबर्स के लिए, मेरे को तो पता था और मेरे भाई को भी थोड़ा बहुत पता था। मैंने ये कहा था कि मैं उनको बिना बताए बुक करा के आ गया था, मेरे भाई और मैं, तो बेसिकली मेरे पापा और भाभी और बच्चों को नहीं पता था। तो हम जाके उनको ये बोला कि हम सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं और हम डिनर पे जा रहे हैं, सॉरी हम लंच पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ चलो। तो उनको बुला लिया था, मैं पहले पेपर वर्क कर चुका था शोरूम में जाके, तो फिर वो मैंने उनका रिएक्शन कैप्चर करा, आपने इसी वीडियो में देखा होगा। वो आए, उनको पता लगा कि वो कह रहे पुरानी गाड़ी कब से शोरूम में मिलती है। तो फिर मैंने उनको बैठाया, उनसे बात की, फिर धीमे धीमे करके ऐसे हमने डिलीवरी ली, तो इतना मज़ा आया, उनको इतना खुश हुए वो लोग देख के कि हमने पुरानी गाड़ी की डिलीवरी के लिए नहीं, हम नई गाड़ी की डिलीवरी के लिए आए। तो कुछ ऐसा सरप्राइज था थोड़ा बहुत, जिसमें कि बहुत मज़ा आया। फिर हम वहाँ से बिरला मंदिर गए, जो कि मंदिर मार्ग पर पड़ता है सीपी के पास, तो वहाँ से पूजा करा के गाड़ी की, फिर हम आगे कंटिन्यू करी थी हमने अपनी ड्राइव। फिर उसके बाद हमने कुछ खाया पिया कुछ, फिर रात ज़्यादा हो गई थी, 12-1 बज गए थे, फिर हम अपने घर पे आ गए थे टाइम से। फिर अगला दिन है, तो अब मैं ये गाड़ी का थोड़ा बहुत वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आने वाले कंटेंट इसके मॉडिफिकेशन के भी होने वाले हैं, और एसेसरीज के भर भर के एसेसरीज आएगी, तो देखते हैं क्या से क्या रहता है, इस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और प्राइसिंग का मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कितना कौन सा क्या चीज़ इसमें लगाया गया है, पूरी एसेसरीज की डिटेल वीडियो बनेगी। तो आगे मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।
आप बने रहना व्लॉग में, आगे की वीडियो जरूर देखना। I don't wanna see us going out.